तो फ्रेंड्स ये चॉकलेट के साथ ये बार्स बिल्कुल सेट हो चुकी हैं, इन्हें डार्क कंपाउंड के साथ डेकोरेट कर लें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जिली रेसिपी पर। सावन में बहुत अच्छी सी हरियाली हो जाती है चारों तरफ, मेरे यहाँ पे भी हो गई है तो मैं बहुत खुश हूँ फाइनली। और इसके अलावा बहुत सारे त्यौहार आते हैं और आज हम बनाने वाले हैं रक्षाबंधन के लिए एक छोटी सी झटपट स्वीट मिठाई, जो बच्चों के लिए भी बनाएंगे और बड़ों के लिए भी बनाएंगे, दोनों को बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा फटाफट, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिना समय गवाए बारिश के आने से पहले, क्योंकि सावन में बारिश बहुत अनएक्सपेक्टेड होती है, तो फटाफट शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो कोकोनट चॉकलेट रोल बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप दूध, 1/2 कप चीनी और 2 कप मैंने लिया है यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का। उसके अलावा हमें चाहिए चॉकलेट वेफर्स, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, ये मैं बच्चों के लिए भी बनाने वाली हूँ इसलिए मैंने वेफर्स का इस्तेमाल किया है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हम कोकोनट के जो रोल्स बनाएंगे उसके ऊपर डार्क चॉकलेट की कोटिंग करने वाले हैं, इसलिए मैंने चॉकलेट वेफर्स लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही कढ़ाई हल्की गर्म होती है तो इसमें डालेंगे 2 कप नारियल बुरादा। तो अभी इसे भूनते हुए तकरीबन 1 मिनट हो गया है और नारियल बुरादे ने अपना नेचुरल ऑयल छोड़ दिया है अच्छे तरीके से, और इसमें से सौंधी सौंधी खुशबू भी उठने लगी है। और अब इसमें डालेंगे हम 1 कप दूध जो हमने लिया था, और इसी के साथ 1/2 कप चीनी इसके अंदर डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, तब तक जब तक ये एकदम डो जैसा ना हो जाए और ये मिश्रण अपना कढ़ाई को छोड़ना शुरू ना कर दे। तो इस तरह से ये पूरा मिक्सचर बाइंड होना स्टार्ट हो गया है और एक तरह से दूध इसमें मावे का काम करता है, तो इसे अब ठंडा होने के लिए रख देंगे हम। तो मिश्रण को हमने अलग प्लेट में ले लिया है, इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और ठंडा होने के बाद ही इसे शेप देंगे। मिश्रण बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है, तो अब इसकी हम डिज़ायरेबल शेप तैयार करेंगे। तो हम रोल्स के लिए शेप तैयार कर लेते हैं। तो ये मिश्रण बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो अब इसकी हम इस तरह से बार बना लेंगे। तो आप किसी भी शेप की बार्स इसकी बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसको पहले इस तरह से लोई की शेप में बना लेंगे और फिर इसको अच्छे से शेप दे देंगे इस तरीके से। तो देखिए इस तरह की छोटी बड़ी जिस भी टाइप की आप बार्स बनाना चाहते हैं बार्स बना लें। तो इस तरह से शेप्स तैयार कर लेंगे। और बच्चों के लिए अगर बनाना है तो आपको क्या करना है, सिंपली एक वेफर लेना है और वेफर के ऊपर ये जो हमने मिक्सचर बनाया है इसकी एक लेयर जमा देनी है। तो इस तरह से आप वेफर के साथ भी इसको बना सकते हैं, तो एक अच्छी सी लेयर वेफर के ऊपर लगा दें इस तरीके से। तो इस तरह से ये वेफर्स के साथ तैयार हो जाएगा। तो पूरे के पूरे बैटर की इस तरह की बार्स हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 2 तरह की बार्स हमें तैयार करनी है, एक तो वेफर के साथ और एक में वेफर के बिना, और इनको तैयार करके हम फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे 15 मिनट तक। तो ये हमने बार्स बना ली थी, मैंने इसे 2 तरीके से बनाया, एक तो इस तरह से वेफर्स के ऊपर लगा करके और एक इस तरह से वेफर्स के बीच में लगा करके। तो ये वेफर्स के 2 टाइप हो गए और एक सिंपल मैंने इस तरीके से बना लिया था पूरा का पूरा कोकोनट का, और एक तीसरी शेप भी मैंने इसको राउंड शेप दे दी है। तो अब चलिए इसको चॉकलेट में डिप करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट लिया है, डार्क चॉकलेट कंपाउंड को मैंने यहाँ पर डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर लिया है। तो नीचे यहाँ पर मैंने पानी रखा था इस तसले के अंदर, तो उसमें ये चॉकलेट बहुत बढ़िया तरीके से मेल्ट हो चुका है। तो चलिए गार्निशिंग कर लेते हैं। तो अभी हम लोग इसे क्या करेंगे, सिंपली इसको चॉकलेट के अंदर रखेंगे और बढ़िया तरीके से चॉकलेट के साथ इसको कोट कर देंगे और बेहद ही सावधानी के साथ इसे निकाल करके हम इस तरह से जाली के ऊपर रख देना है ताकि एक्स्ट्रा चॉकलेट निकल जाएगा और एक अच्छी सी कोटिंग इसके ऊपर रह जाएगी। और इसी तरह से जो हमने फुल कोकोनट की बनाई है तो उसको भी इस तरीके से तो इसी तरह से सारे रोल्स की हमने कोटिंग कर ली है। अब इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये चॉकलेट के साथ ये बार्स बिल्कुल सेट हो चुकी हैं, इन्हें डार्क कंपाउंड के साथ डेकोरेट कर लें। तो लीजिए फ्रेंड्स, डिलीशियस चोको रोल्स तैयार हैं कोकोनट के साथ, इन्हें इंजॉय करें। और रेसिपी आपको कैसी लगी बताना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।